जो जनादेश आया है उस पर क्या कहेंगे? मैं इस जनादेश का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं तो अपनी घोसी की जनता से जैसे प्यार करता था, करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और चुनाव है तो पक्ष विपक्ष जीत हार लगी रहती है। सबसे पहले मैं जो विजयी हमारे प्रत्याशी हैं, जो हम कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, चुनाव के दरमियान तमाम तरह के वायदे करते थे, हम विपक्ष के जो प्रत्याशी रहे हमारे श्री राजीव राय जी, मैं उनको उनके जीत की, इस प्रचंड जीत की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे कानों में एक बात हमेशा गूंज रही है, राजीव राय जी जब भी अपना स्टेटमेंट देते तो ज़रूर कहते थे कि एक बार तो मौका मिलना चाहिए। और राजीव राय जी को घोसी की जनता ने अगर मौका दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने इस घोसी के क्षेत्र का कल्याण किया था, राजीव राय जी के नेतृत्व में घोसी का कल्याण की जनता का कल्याण हो, यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं आवें जिसकी घोसी को दरकार है। लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा, जो लोग भी हमको मतदान किए हैं मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इस चलचलाती धूप में अपने घर से निकल करके बूथ तक गए ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हम वादा गांव-गांव में जा करके मार्केट में, रैलियों में, सभाओं में, चौपालों में मैंने किया है, मैं 100% इस बात को जरूर मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि हमारे मऊ के सर्वांगीण विकास के लिए जितना कदम राजीव राय जी चलेंगे उससे 4 कदम आगे चल करके हम उनका सहयोग करते हुए इस घोसी में वो सारी व्यवस्थाएं लाने का काम करेंगे जिसको हमने अपने मन में बैठा रखा था कि मैं अगर सांसद बनूंगा तो यहाँ पर ये करूँगा। जो भी मैंने कहा था कि चाहे यूनिवर्सिटी लाना हो, चाहे ITI गवर्नमेंट कॉलेज लाना हो, चाहे पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज लाना हो, या फिर यहाँ जो मैं PGI की बात किया था उसको लाना हो, या फिर यहाँ पर जो महिला डिग्री कॉलेज के लिए मैंने बात किया था, स्टेडियम के लिए बात किया,